हेलो फ्रेंड्स, नेग्लेडिया फॉलरी नाम का ये ऑर्गेनिज्म आजकल काफ़ी चर्चे में है। इसे हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। क्या है इसकी खासियत? तो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और जनरली वार्म वाटर में पाया जाता है, जैसे आपके हॉट स्प्रिंग हो गए, रिवर्स में, लेक्स में। आपके नोज के थ्रू यानी नासिका के छिद्रों के द्वारा वो आपके ब्रेन तक पहुँचता है और आपके ब्रेन टिश्यूज को डैमेज करता है। इस डैमेज के कारण होने वाले इन्फेक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी एमिगो मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस। पहली बार इसका डिस्कवरी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1965 में और रिसेंटली ही साउथ कोरिया में इसका एक फैटल केस देखा गया है। इस कारण से ये काफी चर्चा में है। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मिलेंगे फिर कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिविल अकेडमी IAS PCS। थैंक यू सो मच।